श्री दिग्विजय माननीय दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद माननीय पति महोदय जी। मूल रूप से मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और इसलिए करता हूँ माननीय कि इस देश में इतने गरीब और अमीर में जो फर्क है, ये जितने भी चिट फंड, पोंजी फंड, जितनी भी स्कीम चल रही हैं, ये केवल गरीबों की गाड़ी कमाई को का लूटने का एक माध्यम है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री माने हमारे युवा मंत्री जी से अनुरोध मेरा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं में बचत की तो एक प्रवृत्ति रहती है और उनमें जो इंटरनल लर्निंग होता है 95% रिकवरी है। मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि आप इसमें, आपको जो अमेंडमेंट लाए हैं इसमें सब्सक्राइबर के क्या पक्ष में बात कही है, उसके सब्सक्राइबर के पक्ष में जहां आपको इंश्योरेंस का प्रावधान करना था, जो रिकमेंडेशन थी, आपने उसका प्रावधान नहीं किया है। आपने मदद किसकी की है? मिडलमैन की, फोरमैन की, कि 5% से आप 7.5% बढ़ा दीजिए। ये 2.5% किसके जेब से जाएगा? सब्सक्राइबर के जेब से। इसलिए मूल रूप से माननीय मेरा इस बिल का भी विरोध, अमेंडमेंट का भी विरोध है और चिट फंड एक्ट का भी विरोध है। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें आप इस देश के जो गरीब मजदूर डेली वेजर्स हैं, जो ठेले वाले हैं, जो सब्जी रेडी वाले हैं, ये लोग जो हैं, इनको लुभावने वादे करके इनको आकर्षित किया जाता है और हजारों करोड़ के रुपए उन्होंने पैसे जमा करके और भाग गए। आज रजिस्टर्ड आपके जितने भी चिट फंड हैं, उससे दुगने आज अनरजिस्टर्ड चिट फंड है। लगभग 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ का ये व्यवसाय है। और किसका पैसा है? ये सारा पैसा गरीब मजदूर का है, जो कि लूट में और लुटाई हो रही है। इसको रोकने की आवश्यकता है मंत्री जी, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी तो आपसे प्रार्थना है, एक नया रास्ता दिखाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं, अगर करना है तो इसमें करिए। चिटफंड वालों की मदद करने की क्या जरूरत है आपको? इसमें आप कह रहे हैं सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। अरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कहाँ का करेंगे? कौन सा चिट आपका जो जमा करने वाला है, मजदूर है, वो कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चिट उठाने वाले आने वाला है? इसलिए माननीय मेरा ये सख्त विरोध है और मेरी आपसे प्रार्थना है कुछ नया करिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पॉलिसी बनाइए, प्लान बनाइए और सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोटेक्शन दीजिए, थ्रू RBI का प्रोटेक्शन दीजिए और स्टेट गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन दीजिए। ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद।